अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जान पाओगे कि कैसे हम वेब पी इमेज को जेपीजी इमेज में या पीएनजी इमेज में सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर कुछ भी टाइप करते हैं, इमेज में जाइए, और जब हम इधर से राइट क्लिक करके सेव इमेज एज इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मेट आता है, वेब पी फाइल। जब हम इसको सेव करते हैं तो ये बजाय पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में सेव होने के इस तरह क्रोम के लोगों की शक्ल में हमारे पास सेव होता है, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, ना ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है। कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम, ये जो चार पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, इधर आपने लेफ़्ट क्लिक करना है, उसके बाद मोर टूल्स, इसमें जाइए और एक्सटेंशंस, अगेन देखिए इन चार पॉइंट्स पे लेफ़्ट क्लिक करें माउस से, फिर मोर टूल्स और साथ ही एक्सटेंशंस। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपके पास जितनी भी एक्सटेंशंस आप यूज़ कर रहे हैं वो शो हो जाएंगी। आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे ये चार लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, जिसे मेन मेन्यू कहते हैं, और इसके साथ एक्सटेंशन लिखा हुआ है। इधर आपने लेफ़्ट बटन से क्लिक करना है और सबसे नीचे चले जाइए, ओपन क्रोम वेब स्टोर। जी दोस्तों, सर्च बार में आपने टाइप करना है सेव इमेज एस और साथ एंटर कर दें। फर्स्ट ऑप्शन सेव इमेज एस वेब पी बेस 64 जेपेग और पीएनजी, इसको आपने ऐड टू क्रोम इधर क्लिक करना है और ऐड एक्सटेंशन। थोड़ा वेट करें, और जैसा कि आपने देखा हमारे पास एक्सटेंशन ऊपर बार में शो हो चुकी है। अब इधर से इसको क्लोज कर दें, अगेन इस इमेज में आइए, अगेन राइट क्लिक करें, बजाय सेव इमेज एज में जाने के आपने नीचे आ जाना है, सेव इमेज एज यू वांट, और जो भी फॉर्मेट आपको रिक्वायर्ड है वो आप उसमें सेव कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा ये वही इमेज है जो कि पहले वेब पी में सिर्फ हमको अवेल था, अब हम इजीली जिस फॉर्मेट में चाहें इसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।